तो रियल क्रिकेट 22 के रिलेटेड अभी एक सबसे बड़ा न्यूज है कि रियल क्रिकेट 22 गेम कब रिलीज होगा। रिलीज डेट को लेकर ना कोई ऑफिशियल प्रूफ आ रहा है, ना ही कोई लीक मिल रहा है जिसके थ्रू मैं बताऊं कि गेम इस डेट को आएंगे। लेकिन दोस्तों प्रेडिक्शन जो है ये है कि रियल क्रिकेट 22 गेम ये आपको एक मंथ के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। लेकिन खैर दोस्तों, मैंने सोचा कि रियल क्रिकेट 22 ये जो गेम है ये तो आने वाला है ही, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इससे पहले अभी हाल ही में तो कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है रिलीज डेट के रिलेटेड, तो सोचा कि चलो रियल क्रिकेट 22 गेम के बारे में, फीचर्स के बारे में, जी हाँ कुछ ऐसा न्यूज़ मेरे हाथ में लगा है, कुछ ऐसा सीक्रेट फीचर्स मेरे हाथ में लगा है जिसके थ्रू मैं वीडियो बना सकता हूँ। चलिए दोस्तों, क्या है वो न्यूज़, क्या है वो फीचर्स रियल क्रिकेट 22 गेम के रिलेटेड, वीडियो का करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। चैनल पर नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गेमर चंदन यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा से जुड़े रहे। तो आज रियल क्रिकेट 22 गेम के बारे में तीन सीक्रेट फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, और वो तीन सीक्रेट फीचर्स के बारे में शायद आप लोगों को पता है और किसी लोगों को पता ना भी हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और पूरा आनंद लें इस वीडियो का, क्योंकि ऐसा सीक्रेट फीचर्स ना और कोई आपको है बताने वाला, क्योंकि ये सीक्रेट फीचर्स बस मेरे हाथ में ही लगे। तो सबसे पहले जो फीचर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों रियल स्टैंस, यानी कि रियल स्टैंस। अगर पूछेंगे कि भाई ये रियल स्टैंस है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रियल स्टैंस है ये है हर एक खिलाड़ी का अलग अलग बैट पकड़ने का स्टाइल। जैसे कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, या फिर शिखर धवन हो, या फिर पृथ्वी शॉ, के राहुल, कोई भी खिलाड़ी हो, ये हर एक खिलाड़ी का अलग अलग बैट पकड़ने के स्टाइल को कहते हैं रियल स्टैंस। और ये स्टैंस कहाँ से मिले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। RC22 वालों को ये स्टैंस का जो पोजीशन है ये बस वो जो लोग हैं प्रोफेशनल प्लेयर को बुलाया है और उसके बाद मोशन कैप्चर के जरिए ये कैप्चर किया गया है, उसके बाद ही गेम के अंदर सॉफ्टवेयर के जरिए डाल दिया है। तो ये जो एक नंबर वाला फीचर्स है ये है रियल स्टैंस जो कि आपको इस गेम पर देखने के लिए मिलेंगे और इसके थ्रू गेम में रियलिज्म भर भर के देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरा बड़ा फीचर्स के ऊपर, और वो है मैनुअली फील्डिंग। जी हाँ, इसके बारे में शायद आप लोगों को पता है कि मैनुअली फील्डिंग इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। मैनुअली फील्डिंग यानी कि जो कैच हो, फील्डिंग हो, ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ेंगे। बिल्कुल एक गेम जिसका नाम है WCC3 गेम है, उसके जैसा ही आपको इस गेम पे मैनुअली फील्डिंग देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हाँ, कंट्रोल वगैरह में दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होंगे WCC3 एंड RC22 में। हाँ, हो सकते हैं कि आज से 22 में जो कंट्रोल लेवल है मैनुअली कैच करने का, ये आपको काफ़ी हद तक क्रिकेट 22 जैसा भी कंट्रोल लेवल देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। और इसका चांसेस 70% है कि आपको मैनुअली फील्डिंग पूरा का पूरा क्रिकेट 22 जैसा कंट्रोल के पोजीशन में देखने के लिए मिल सकता है। ऑफिशियल प्रूफ नहीं है दोस्तों, ये मेरा राय है बस, ठीक है। तो ये रहा दूसरा ही फीचर्स, मैनुअली कैचिंग हो, मैनुअली फील्डिंग हो, डाइव लगाना, सब कुछ आपके हाथ में रहेंगे कंट्रोल। तो ये जो मैनुअली कैचिंग, फील्डिंग एंड रियल स्टैंस के बारे में बताया दोस्तों, इस दो फीचर्स के बारे में आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स से बताएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर्स के बारे में एंड लास्ट फीचर्स के बारे में, और वो है दोस्तों आप लोगों को शायद पता है कि कस्टमाइजेशन का फीचर्स आप इस गेम पे भी आएंगे, और वो कस्टमाइजेशन का फीचर्स है आपको अंपायर कस्टमाइजेशन का फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। खिलाड़ियों को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अंपायर्स को भी कस्टमाइजेशन आप RC22 गेम के अंदर कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के जरिए, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए ये फीचर्स आप ऐड करेंगे कंपनी, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट गेम पे, कोई भी एंड्रॉयड क्रिकेट गेम पे ये सब फीचर्स आते ही है। तो ऑब्वियसली रियल क्रिकेट 22 जो कि आप 2020 में ये गेम बन रहे, तो एब्सोल्युटली आपको इस गेम के अंदर भी जो अंपायर कस्टमाइजेशन का फीचर्स है, टी शर्ट वगैरह, हैट वगैरह, वॉच एंड सारा का सारा हेलमेट, सब कुछ आप अंपायर का कस्टमाइजेशन आपको इस गेम के भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रहा कुछ धमाकेदार तीन फीचर्स के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, और आप लोग ये तीन फीचर्स आने के बाद खुशी हुई कि नहीं, खुशी मिले कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट से बताएं कि हाँ भाई चंदन भाई बहुत खुशी मिलेंगे ये तीन फीचर्स अगर गेम के अंदर आएंगे। तो लाइक करें दोस्तों इस बात पर, सब्सक्राइब करें, वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर गेमर चंदन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, और तीन फीचर के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो एक बार कमेंट से ज़रूर मुझे बताएं। तब तक के लिए खुश रहे, खेलते रहे, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।